हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम सिंह लेकर आपके लिए कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के नॉलेज मिलती रहेगी। पिछली वीडियो में हमने आपको डाला था फंडामेंटल्स, उसके बाद दूसरी वीडियो में था विंडोज़। तो ये दोनों स्टेप पूरी होने के बाद अब आता है हमारा नोटपैड। नोटपैड है क्या, ये जानना ज़रूरी है। नोटपैड इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, अर्थात इसके अंदर हम सिंपली टेक्स्ट को एडिटिंग कर सकते हैं और फाइलें बना के रख सकते हैं। तो नोटपैड में किस तरह से वर्क करेंगे, इसके फुल नॉलेज के लिए, पूरे मैनुअल ज्ञान के लिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड। नोटपैड में जो फाइल बनानी, फाइल बना लेंगे, जो कुछ लिखना। जो भी मैटर लिखने वाल अगर हमें फाइल को सेव करना, तो यहाँ फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम दे देंगे यहाँ, जो उस नाम से भी सेव रखनी हो। हमने यहाँ इंडिया नाम से फाइल सेव कर दी। तो सेव करने की पहचान है, हमारा टाइटल बार में ऊपर नाम आ जाएगा, जो हमने फाइल को नाम दिया। अब हमें इस फाइल में वर्क नहीं करना, न्यू फाइल बनानी है, तो उसके लिए फाइल में जाकर न्यू करेंगे तो हमारी नई फाइल आ गई। अब कभी इन फ्यूचर हमें अगर अपनी फाइल खोलनी है, तो उसके लिए फाइल में जाकर ओपन कर लेते हैं, और जो सी फाइल खोलनी है उस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, ओपन कर लेंगे तो वही फाइल हमारी खुल जाएगी। तो न्यू से न्यू फाइल ले लेंगे, ओपन से फाइल ओपन कर लेंगे, जो फाइल में सेव करके उनमें से कोई फाइल ओपन कर लेंगे, करंट फाइल को सेव कर लेंगे। सेव एज में क्या होता है, अपनी सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, तो सेव एज करेंगे। ये फाइल हमने इंडिया नाम सेव करके दी, अब इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ये इस फाइल का नाम ने नगीना दे दिया, तो वही फाइल हमारी नगीना नाम से सेव हो गई। सेव और सेवेज में इतना अंतर है, फर्स्ट टाइम तो सेव करते हैं, उसके बाद उस फाइल को किसी दूसरे नाम सेव करना तो सेवेज करते हैं। नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में अगर हम पेज का सेटिंग करना चाहते हैं, मार्जिन सेट करना चाहते हैं, पेज का साइज सेट करना चाहते हैं, तो वो सेट कर सकते हैं। पेपर साइज, यहाँ से पेपर का साइज ले लें, जिस साइज का पेपर प्रिंट निकालना है। उसके अलावा कितना छोड़ना है, हमें लेफ्ट से कितना छोड़ना है, मान लो लेफ्ट से 1 इंच छोड़ना है मार्जिन, या हाशिया बोलते हैं, उतना डाल देंगे। राइट से कितना छोड़ना है वो डाल देंगे, अगर नहीं छोड़ना तो यहाँ 0 कर देंगे, बहरहाल जितना छोड़ना है वो डाल देते हैं। यहाँ हमने 0.5 कर दिया। टॉप ऊपरी साइड 1 इंच छोड़ना तो 1 इंच डाल देंगे। बॉटम में ये 2 इंच हो रहा है, 1 इंच कर लेंगे तो नीचे 1 इंच छूटेगा। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं, तो हमारा पेज सेटअप हो गया। जैसा इसमें दिखा रहा है वैसा ही प्रिंट निकलता है, पेज सेटअप में जैसा दिखा रहा है यहाँ पर, ये वैसा ही इसका प्रिंट निकलेगा। ओके कर देंगे। उसके बाद तक प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, और जो से भी प्रिंटर हमने अपने सिस्टम से लगा रखा है उस प्रिंटर पर क्लिक करके यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। उसके अलावा ऑल अगर मैं सेलेक्ट करता तो सारे पेज जितने बना रखे हमने सब प्रिंट निकल जाएंगे, और अगर यहाँ करंट पेज करेंगे तो करंट पेज जो हमारे सामने खुला हुआ है सिर्फ वही पेज प्रिंट निकलेगा। यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कितने कौन कौन सा पेज प्रिंट निकालना है, उसके बाद प्रिंट कमांड दे देंगे तो हमारे प्रिंट निकल जाएंगे। तो ये हुआ हमारा फाइल मेन्यू। उसके बाद आता है एडिट मेन्यू। इस बार का नाम है मेन्यू बार। अब इसके मेन्यू है ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेन्यू है। एडिट मेन्यू क्या है, अंडू। अगर हमने किसी चीज़ को, किसी मैटर को हमने यहाँ डिलीट कर दिया, सेलेक्ट करके डिलीट करा, अब वो गलती से हमसे डिलीट हो गया तो वापस लाना है, तो उसके लिए अंडू कर देते हैं एडिट में, अंडू, तो हमारा मैटर वापस आ जाएगा, अर्थात बैक कमांड हो जाती है। कट, किसी मैटर को अगर कट करना है तो उस मैटर को सेलेक्ट करेंगे, जितने मैटर को कट करना है उतने को ही सेलेक्ट करेंगे। ये करा हमने खाली ग्रेड को सेलेक्ट करा और एडिट में जाकर इसको कट कर दिया, तो हमारा उतना ही मैटर कट होगा जितना हमने सेलेक्ट करा था। वापस लाना तो अंडू। उसके बाद आता है कॉपी। अगर हमें किसी मैटर की कॉपी करनी है तो उस मैटर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाकर कॉपी कर लेंगे, फिर अलग क्लिक करेंगे और जहाँ उसे कॉपी चाहिए वहाँ ले जाकर उसको पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। इसको चाहे जितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V, ये इनकी शॉर्टकट की दिखा रखी है आगे। ये चाहे तो यहाँ से कमांड दे दो या कीबोर्ड से शॉर्टकट की दे, एक ही बात है। पेस्ट की बात है डिलीट। अगर किसी मैटर को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके उसको
और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो हमारा उतना ही मैटर डिलीट हो जाए जितना हमने सेलेक्ट कर रखा था। फाइंड, फाइंड तलाशना, अगर हमने फाइल में से कुछ तलाशना है तो फाइंड करेंगे। मान लो इस फाइल में से हमें इस तलाशना है, इस कहाँ है, तो इस लिखेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। जरा कैन नॉट फाइंड इस, तो इस डायरेक्शन अप कर लेते हैं, कर्सर हमारा नीचे होगा डाउन में होगा तो ऊपर को तलाशने के लिए डायरेक्शन अप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ जहाँ इज होगा उसको सेलेक्ट करके दिखाता रहेगा। डायरेक्शन डाउन करेंगे तो नीचे की साइड को तलाशता जाएगा, तो हो गया हमारा फाइंड। मैच कैस, अगर हमें कैपिटल लेटर को फाइंड करना तो मैच कैस लगा देंगे, या कैपिटल में डाल लेंगे, कैपिटल को तलाश सका, स्मॉल को नहीं तलाश सका, स्मॉल तलाशना है तो स्मॉल की तलाश सका, कैपिटल को नहीं तलाश सका। यहाँ से मैच कैस करने के बाद जोन सा डाल लेंगे उसी को तलाश सका। फाइंड के बाद तो फाइंड नेक्स्ट, चाहे तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर दो आगे तलाशेगा, या फिर हमने फाइंड में देखा था फाइंड नेक्स्ट, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर लो, एक ही बात है, या इसी शॉर्टकट किया F3, ये F3 से भी कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट। उसके बाद था रिप्लेस, रिप्लेस चेंज करने के लिए, मान लो हमें इसके स्थान पर R करना है तो एडिट में जाएंगे और यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फाइंड वाट के सामने इस डाल लेंगे जिसको चेंज करना है, और उसके स्थान पर क्या करना है वो रिप्लेस विद के सामने डाल देते हैं। R डाला, उसके बाद इसे उठाकर अलग रख लेते हैं यहाँ, और एक बार फाइंड नेक्स्ट करेंगे, डायरेक्शन अप में क्लिक कर लेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो इसको तलाश देने यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा इस R में चेंज हो गया। और अगर सभी को चेंज करने एक बार में तो ये रिप्लेस ऑल करते हैं, सब एक क्लिक करने पर सारा कुछ चेंज हो जाते हैं, फाइल में जहाँ जहाँ भी इज होगा सब में R हो जाएगा। जिसको चेंज करना है वो ऊपर फाइंड नेक्स्ट के सामने डाल लेंगे, और उसके स्थान पे क्या करना है रिप्लेस विद के सामने डालते हैं। क्लियर। रिप्लेस के बाद तक गो टू, किसी लाइन में जाने के लिए अगर हमें लाइन फर्स्ट में जाना तो क्लिक करके पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली उसमें क्लिक करो उसमें पहुंच जाएगा सर। सेलेक्ट ऑल, इस मैटर को सेलेक्ट करने के लिए, सारा मैटर सेलेक्ट करना तो एडिट में जाकर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इससे हमारा सारा मैटर सेलेक्ट हो गया। डायरेक्टली माउस का बटन दबाकर ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो उन भी ईजी लगे उसको अपना लेते हैं। उसके बाद टाइम डेट, अगर हमें कहीं टाइम डेट डालनी है, मान लो पेज के ऊपर डालनी है, तो यहाँ शुरू में क्लिक करके मैटर को नीचे ले आएंगे और कर्सर ऊपर ले जाकर जहाँ टाइम डेट चाहिए वहाँ ले आएंगे कर्सर, उसके बाद एडिट में जाकर यहाँ टाइम डेट पर क्लिक कर देंगे, जो टाइम डेट हमारे सिस्टम में हो रहा होगा वही यहाँ आ जाता है। टाइम डेट चेंज करना हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उसमें मिल जाएगा कैसे चेंज करेंगे कंप्यूटर का टाइम डेट। उसके बाद तो ये एडिट मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद तो फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट में वर्ड ग्रैप, वर्ड ग्रैप में क्या है, अगर हम कोई मैटर लिख रहे हैं तो हमारा मैटर सारा ये एक ही लाइन में लिखा चला जाता है, और अगर वर्ड ग्रैप कर लिया तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो क्या कर रखा हमने, वर्ड ग्रैप कर रखा, तो लाइन पूरी होने पर ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में लिखा गया, ये ऑटोमेटिक लाइन पूरी होने पर दूसरी लाइन में अपने आप लिखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि अपनी लाइन आप ना आए तो वर्ड ग्रैप को यहाँ से ये हटा देंगे, ये एक्टिव हो रहा है, सिग्नेचर दिखा रहा, तो यहाँ से वर्ड ग्रैप हमारा डीएक्टिव हो गया। अब हमें लाइन चेंज करने के लिए एंटर करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये एक ही लाइन में लिखा चला जाएगा। सुबह से शाम तक जितना लिखोगे सब एक ही लाइन में लिखा चला जाएगा। हम चाहते हैं मैटर हमारा सब सामने आ जाए ऑटोमेटिक, लाइन पूरी होने के बाद दूसरी लाइन में आ जाए, तो वर्ड ग्रैप कर देते हैं, सारा मैटर हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद फॉन्ट, अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर का फॉन्ट लैंग्वेज जो चेंज करनी होती है वो लैंग्वेज हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज लेनी उस लैंग्वेज को यहाँ से चुन लेते हैं। मान लो हिंदी के लिए हमने कुर्तु देव ले लिया, और कितने साइज में करना वो साइज यहाँ से लेते हैं, ओके कर देंगे, तो ये लिखा हमारा सारा हिंदी में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही जो सी फॉन्ट चाहिए फॉर्मेट में जाकर यहाँ से फॉन्ट ले लेते हैं। इंग्लिश के लिए नॉर्मली हमारा टाइम्स रोमन होता है, सिंपली टाइम्स रोमन लेंगे। अगर मैटर को लिखोगे को हमें रेगुलर सिंपल रखना तो रेगुलर कर देंगे, इटैलिक तिरछा हो जाएगा मैटर, बोल्ड करना डार्क करना तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक इसमें डार्क भी हो जाएगा और तिरछा भी हो जाएगा। साइज यहाँ से चुन लेते हैं मैटर का साइज, उतने ही साइज में हमारा लिखोगा हो जाता है, तो यहाँ से ये हमारा फॉन्ट मेनू काम करता है। फॉर्मेट में फॉन्ट यहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद था व्यू, व्यू में एक कमांड हमारी स्टेटस बार, अगर स्टेटस बार चाहिए होती खोल लेते हैं, नहीं चाहिए होती नहीं खोलते, यहाँ से नीचे स्टेटस बार खुल जाती है। हेल्प में हमें कोई ऐसी हेल्प का लिए टॉपिक दिखाया था अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में दिखा देगा ये, ऑनलाइन कोई हेल्प चाहिए, या यहाँ से व्यू हेल्प तो खुल के आ जाता है, हेल्प ऑप्शन खुल के आ जाता है,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हेल्प के लिए आप कुछ ना कुछ बता दिया वही चीज़ आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, बाकी आपको हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यदि आपको कोई सी मेन्यू समझ में ना आए या कुछ पूछना हो इसमें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कंटिन्यू हमारे क्लास को अटेंड करने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु गौतम। ये हमारा नोटपैड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको के लिए वर्डपैड, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वर्डपैड सिखा दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको नोटपैड आ गया होगा, और अगर आप इसको अपने सिस्टम पर रिपीट करें तो आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। कोई अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे।